हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो कृष्णा यूट्यूबर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस यूट्यूब पर जाकर ये मेरा फ्रंट पेज देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो इसी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, रेड आइकन को दबाकर, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का मेरा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के बारे में, जो कि हम आपको कुछ क्वेश्चन आज कंप्लीट करा देंगे, और विद पीडीएफ के साथ। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो पीडीएफ डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप डाउनलोड करें और आई बटन में जाके, और आप अगर बुक्स में कन्फ्यूजिंग आ रहे हैं तो हमारी जो आप वीडियो फ्रंट पर देख रहे हैं, जो इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये जो गोल गोल सर्कल घूम रहा है ना, यहाँ पे जो फ्रंट पेज पर लिखा है एनसीईआरटी ऑल मेडिकल एग्जाम इम्पोर्टेंट बुक। तो इसमें ये बुक आप ये भी वीडियो चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मेडिकल एग्जाम के लिए आपको। तो ज़्यादा ना टाइम बर्बाद करते हुए चलते हैं बुक की, जो आप आज का मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री की तरफ, क्योंकि फ्रेंड्स बोल रहे थे कि केमिस्ट्री हमारी थोड़ी बेकार, तो आज बेसिक केमिस्ट्री लेके आए हैं। धीरे धीरे सीरीज चलेंगे तो फिर ऐसे ही आप तक चाहिए। तो आज हम लेके चलते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन फ्रंट पेज पर ही आपके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण नहीं है। तो ए ऑप्शन है अपक्षेपण, और बी ऑप्शन है भोजन का पचना, और सी ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि श्वसन, और डी ऑप्शन दिया है कि दहन। तो यहाँ पर जल्दी आप कॉपी और नोट पेन उठाइए और नोट्स कर लीजिए, क्योंकि इसमें निम्नलिखित में से मतलब अपक्षेपण ही ऑक्सीकरण को नहीं करता है, बाकी भोजन का पाचन ऑक्सीकरण करता है, श्वसन करता है, और दहन भी करता है, जिसे दहन को कहते हैं मतलब जलना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, मतलब किसी अभिक्रिया मतलब किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले क्या कहते हैं? तो प्रतिफल, या अपकारक, या ऑक्सीकारक, या फिर डी ऑप्शन अभिकारक, ऑक्सीकारक या फिर अभिकारक। तो यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन डी है, जो अभिकारक जो रेड कलर में हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, आप टिक कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? मतलब जो नमक होता है Na2, मतलब जो नमक होता है ना, तो उसको घोलने में जो सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसी मतलब वाइट कलर का पदार्थ उत्पन्न होता है, वह कौन सी रिएक्शन है? तो विस्थापन, या भी उदासीनीकरण, या फिर सी संयोजक, या फिर डी अपचेपण। तो यहाँ पर मैंने इस पीडीएफ को ऐसा कर दिया है सिंपल, जो कि आपको रेड कलर में आंसर भी दिख रहा है। तो यहाँ का उसका है उदासीनीकरण, क्योंकि कुछ कुछ अभिक्रियाँ होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती हैं, उसे उदासीनी अभिक्रिया बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन मतलब श्वसन ऑक्सीजन मतलब श्वसन करना, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या फिर संयोजी अभिक्रिया है, या अपचाय उपचाय अभिक्रिया है, या फिर दो अपघटन अभिक्रिया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल शब्द है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा जो भाप की तरह है, जो आप लोग हवाई एयर को अंडर लेते हैं, उसे उसे कहते हैं श्वसन करना, श्वसन। आप लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, जो कि मेडिकल एग्जाम में खासकर भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संचरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अपचायन अभिक्रिया है, या अपक्षेपण अभिक्रिया, या उपचायन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है अपचायन और उपचायन। तो जो अपचायन अभिक्रिया होती है जो अपने आप होती है, और उपचायन जो संचार किस प्रकार के मतलब रिएक्शन है, तो उपचायन है मतलब जो अपने आप होती है उपचायन। और प्रबल अम्ल मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को बनने बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल जो 7 से कम होता है, जिसे क्षारक बोलते हैं, मतलब जो खट्टे पदार्थ ज्यादा होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसमें ए ऑप्शन है 7 से अधिक, बी ऑप्शन है 7 से कम, या 10 और 14 के बीच, या 14 के कम।
तो इसका बी ऑप्शन है सात से कम, क्योंकि क्षारक पदार्थ क्षारक से बनी लवण का पीएच मान क्या होता है, तीखे होते हैं जिन्हें बोलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है, मतलब क्वेश्चन जो ऊपर सेम आ गया उसके, जो किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ाना कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया या उपचयन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया बिल्कुल सत्य ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, मतलब जो क्षारक खट्टे पदार्थ होते हैं, क्षारक मतलब जैसे क्षार बोलते हैं जो, उस मतलब मुक्त क्या होता है। तो ए ऑप्शन है OH- आयन, या फिर H+ आयन, या फिर दोनों, या कोई आयन नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रेड कलर में आपको दिया है, इसका आंसर है OH आयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, युग्म मतलब हमेशा साथ साथ हो, अभिक्रिया के युग्म जो 2N, PN और 3N, शायद आपने खूब अच्छे से पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। आप इसे बेसिक की रिवाइव करते रहिए, और PDF डाउनलोड करके इसे फोटोकॉपी के जरिए आप लर्न कीजिए। तो ए ऑप्शन है संयोजन और विघटन, बी ऑप्शन है अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, और डी ऑप्शन है ऑक्सीकरण और अपकरण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य, अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ होते हैं। आपको क्वेश्चन सिर्फ दो बार पढ़ना है, आपके पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड होते हैं पढ़ने के लिए। आप सिर्फ दो बार पढ़िए क्वेश्चन को और डायरेक्ट टिक करिए। तो इसका आंसर क्या है, हमेशा उदासीनीकरण और विस्थापन, यहाँ पर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य, उत्थापन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दूध वो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, दही में जो सब लोग पूछते हैं, मतलब खासकर जो आपको मेरी कोचिंग में जो पढ़ाया था वही है, जो जो मैं इस वेबसाइट के जरिए, जो हमारी सर की वेबसाइट है, तो उसी के जरिए मैंने निकाले हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि यही मैंने पढ़े हैं, और मेरे पास नोट्स भी बहुत रखे हैं, वो मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के थ्रू, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो मतलब दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, लैक्टिस अम्ल या साइट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल या अन्य मतलब अदर। तो यहाँ पर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल दही में, मतलब दही में लैक्टिक अम्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरीन अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, फिर यह कौन सी अभिक्रिया है। क्वेश्चन एक बार फिर रिवीजन करना है और समझना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरीन अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी रिएक्शन है। ए ऑप्शन उदासीनीकरण, विघटन, या सी ऑप्शन संयोजन, या अपक्षेपण। तो यहाँ पर मतलब कुछ उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जो रिएक्शन ये है उदासीनीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अम्ल में मुख्य रूप में एक परमाणु आवश्यक मौजूद होता है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। किस अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद होता है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ये ऑप्शन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर अमोनिया। तो ऑप्शन ए होगा हाइड्रोजन। किस अम्ल को मतलब परमाणु आवश्यक मौजूद होता है और धातु में एक गैस उत्पन्न करता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमिस को पेपर को लाल कर देते हैं, कहा जाता है। ए ऑप्शन अम्ल, लवण, या भस्म, या क्षारक। तो इन्हें कहते हैं एसिड या अम्ल, एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच
का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, मतलब अपच, अपच को ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूजफुल होती है? तो ए ऑप्शन है एंटीसिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिस या फिर एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पे अपच को उपचार करने के लिए एंटीसिड होती है, जो मतलब मेडिसिन होती है जो मेडिकल में मिल जाएगी, तो इसी से औषधि मतलब यूज की जाती है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? घुलनशील भस्म जल में घुलनशील वाटर H2O में घुलनशील, क्षारक या क्षार, संक्षारण या फिर क्षारण। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा क्षार, मतलब जो ज़्यादा क्षार होते ना उसने। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं है, दहन, अपक्षेपण, भोजन का पचाना या फिर श्वसन। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सही होना चाहिए हमारे हिसाब से अपक्षेपण, क्योंकि अगर जैसे कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बता दें, तो इसे हम आपको बाद में सही से समझा देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस की दहन किस प्रकार की रासायनिक रिएक्शन है, मतलब जो नेचुरल गैस है उसकी दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या ऊष्माक्षेपी विघटन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, 100% बिल्कुल सही क्वेश्चन। ऊष्माक्षेपी जो मतलब नेचुरल है ना, नेचुरल। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रबल अम्लीय हैं? प्रबल अम्लीय जो मतलब ज़्यादा ताकतवर अम्ल है, मतलब जो खट्टे पदार्थ हैं, और जो ज़्यादा क्षारीय होते हैं ना वो अलग होते हैं, क्षारीय और इसमें डिफरेंट है, तो आप पढ़ लीजिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो इसमें ए ऑप्शन है pH परसेंटेज D7, बी ऑप्शन pH बराबर 14 और सी ऑप्शन है pH बराबर 0 और डी ऑप्शन है pH D3। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, pH बराबर 0। तो नी मतलब जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कोई भी समस्या आए तो हेल्प के लिए, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी नीचे है। तो PDF जो इसकी मैंने आपको वीडियो ये है इसकी, इसको नोट कर लिया हो तो नोट कर लें, या फिर PDF मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन प्रोवाइड हैं इसमें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।